मैं सभी अपने सहारनपुर देहात विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों से, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं मुखातिब हूँ। और सिर्फ सहारनपुर देहात ही नहीं, जो पूरे जनपद सहारनपुर के हमारे राजनीतिक परिवार के साथी हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, उन सब से मैं आज इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम कुछ दिनों के अंदर ये जो घटित हुआ है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अपने साथियों की राय पर हमारे साथियों ने, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने, जिस तरह से एक मत होकर के समाजवादी पार्टी के लिए फैसला लेने का काम किया था, और हमने अपने सभी राजनीतिक परिवार के सभी सदस्यों की सलाह पर हमने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ये फैसला किया। हमारे नेता जनाब इमरान मसूद साहब ने माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, उसके बाद अपने सभी साथियों को बुला करके उनसे सलाह मशवरा किया, और सलाह मशवरे में ये आया कि समाजवादी के पार्टी के साथ चलना है। उसके बाद हम लोग नेताजी के नेतृत्व में लखनऊ गए, वहाँ बुलाया गया। वहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि 2 बार अखिलेश यादव जी ने हमें बुला करके हमसे बात की और ये आश्वासन दिया कि नहीं, आपका सम्मान रहेगा, सब ठीक रहेगा। लेकिन कल अचानक तीसरे दिन उन्होंने शाम को, कल बुलाया हुआ था, हम शाम के इंतज़ार करते रहे कि हमें बुलाया जाएगा। 6 बजे का टाइम, पहले दोपहर का टाइम हुआ, फिर शाम का टाइम हुआ, लेकिन पता लगा अचानक कि वहाँ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तय कर दिए गए हैं। जब हमें पता लगा कि इन सीटों पर बेहट या सहारनपुर देहात, इन पर सीट कैंडिडेट तय कर दिए हैं, तो हम लोग वहाँ से फिर सहारनपुर की तरफ रवाना हो गए। रात देर से 3 बजे हम लोग सहारनपुर पहुँच गए थे। साथियों, मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में बेहद आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सहयोग जिस तरह से मुझे मिला, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसको भुला नहीं पाऊंगा, और जब तक मेरी जान में जान है, मैं आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में इसी तरह से मैं खड़ा रहूंगा। मैं विधायक बनूं ना बनूं, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, ये आप लोगों पर निर्भर है। आप लोग मेरी ताकत हैं, पहले भी, कल भी आप लोग मेरी ताकत थे, इमरान भाई की ताकत।